के द्वारा दिल्ली में हो रहे जलभराव के विरोध में प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली की केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासियों के साथ विधायक के कार्यालय तक जनाक्रोश पदयात्रा निकाली गई। साथ ही इस दौरान केजरीवाल व विधायक ऋतुराज की शव यात्रा भी निकाली गई। जन आक्रोश रैली के दौरान केजरीवाल मुर्दाबाद और विधायक ऋतुराज झा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस द्वारा आयोजित यह जन आक्रोश रैली किराड़ी के विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई किराड़ी स्थित विधायक कार्यालय तक समाप्त की गई, जहाँ पर स्थानीय विधायक और केजरीवाल की शव का दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले कई सालों से किराड़ी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किराड़ी के पानी की निकासी नहीं होने के कारण जलभराव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार ने कहा कि किराड़ी की गलियों और सड़कों के साथ साथ अब लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। पानी के अंदर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। सर, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या खास मकसद है कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, इसका मकसद ये है, आप किराड़ी के हालात देख रहे हो, ये आज से नहीं है, दो साल हो चुके। आए दिन केजरीवाल यहाँ पत्थर ओम नारियल फोड़ता है और कहता सारी गलियां में बना दूंगा। आपने देखा होगा 4-4 फुट पानी भरा है घरों में, और घर के अंदर जो है फट्टे बल्ली लगा करके बच्चे ऊपर जो अपना खाना खाते हैं, नीचे लेटरिन बह रही है, सीवर का पानी बह रहा है, हालात इतने खराब है। मेरे ख्याल किराड़ी जितना बुरा हाल किसी दिल्ली की किसी कॉलोनी में नहीं। पानी बिजली तो फ्री में दे रखी है केजरीवाल ने, मगर खाई तो कुछ भी नहीं देता। पीने का पानी नहीं दे रखा, फ्री हरी पानी दे रखा है, जिसमें लेटरिन बह रही हो वो फ्री दे रखा है, सारी गलियों में 4-4 फुट पानी भरा है। ये ढकोसलेबाजी है, झूठ बोलता है। अगर आकर के एक बार दौरा तक करके देखे, लोग अपनी गलियों में नहीं घुसने देंगे उसको। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने ये मन बना लिया है कि जब तक पानी की निकासी नहीं होगी, जब तक पानी इन लोगों का नहीं निकलेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी ये किराड़ी जिला सड़कों पर रहे। हम यहाँ पर आमरण अनशन भी कर देंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे, सारे किराड़ी के लोगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा जब तक पानी नहीं निकलेगा। समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक हम सड़कों पर रहेंगे। दिल्ली में नशे के खिलाफ एक गोष्ठी का आयोजन।